रिपोर्टर हम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। पानी में बहते नोटों ने बताया फेंके गए नोटों की गड्डियों का पता। फिर तो नोटों की गड्डियों को उठाने के लिए मच गई अफरा तफरी। कहां से आए नोट, कैसे आए नोट, बनी पहेली। क्षेत्रीय रहवासियों के बीच उस समय अफरा तफरी भागम भाग मच गई जब उन्हें पुल के पास नदी में नोटों की गड्डियों के मिलने की खबर पता चली। तो जो जैसा था वो उसी हाल में कुराइज पुल के पास नहर की ओर दौड़ा और नहर के पानी में उतरकर नोटों की गड्डियों को ढूंढ ढूंढ कर उठाने लगा। घटना रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम प्रखंड के मुरादाबाद नहर की है, जहाँ कुछ लोग नहर में नहा रहे थे तभी उन्होंने नोटों को बहते हुए देखा। बहते नोटों को देख कुछ लोग आगे बढ़े तो देखा कि कुराइज पुल के नीचे पानी में कई सारे नोटों के बंडल फेंके हुए थे। बस फिर क्या था, खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और निकल पड़े सब नोटों की गड्डियों को उठाने। ग्राउंड जीरो से ग्रामीणों के अनुसार सूतलियों और कपड़े में बंधे नोटों के बंडल 10 रुपए से लगाकर 200 रुपए तक के है। नोटों को देखकर लगता है कि वो काफी समय से नहर में होंगे। नहर में नोट कहां से आए, फिलहाल यह पहली बनी हुई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली है और चर्चा में अज्ञात चोरों अथवा बैंक लुटेरों ने इन्हें यहां पकड़े जाने के डर से फेंका होगा या किसी ने रिश्वतखोरी के पैसे को छापे के डर से यहां फेंक दिया होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले में जांच कर असलियत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अरे बाप चले काका गम छिले के मारा। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।